मुझे डर था कि हकीकत सामने आने के बाद मैं तुम्हारे चाचा जान अकबर का बेटा नहीं बल्कि बख्तावर अली का बेटा हूँ। कहीं मैं तुम्हारे दिल से उतरना चाहूँ? नहीं, मेरी जीती जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन लेकिन क्या सोहा, ना मेरे दिल में आपके लिए जगह कम हुई है और ना आपके दिल में। लेकिन अम्मी और अबू तो अब भी मुझे अपना नहीं समझते, वो अब भी मुझे अपना दुश्मन समझते। सब ठीक हो जाएगा सोहा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? मैं ये भी तो नहीं चाहूंगी ना कि मेरी वजह से आप अपने वालिदैन को ठुकरा दो, लेकिन वो ये जरूर चाहेंगे कि आप मुझे ठुकरा दो। ऐसे हालात में मेरा दिल डरता है, अगर ऐसे हालात सामने आ गए तो क्या होगा? तुम फिक्र मत करो सोहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर ऐसे हालात भी आते हैं तब भी मैं तुम्हारा साथ हरगिज नहीं छोड़ूंगा। हम जहां भी रहेंगे सोहा, साथ साथ रहेंगे। अम्मी, अम्मी जान आप यहाँ? हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं। अब्बू इस वक्त? अम्मी ऐसी क्या बात है अम्मी? परेशानी की कोई बात नहीं बेटा, पर तुम तो हमारे इकलौते बेटे हो, परेशानी में तुम्हें नहीं बुलाएंगे तो किसे बुलाएंगे? नहीं नहीं अम्मी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं सोच रहा था कि अबू सो गए होंगे तभी। अम्मी पता नहीं साहिल, कोई बात तो है जिसकी वजह से इन्हें नींद नहीं आ रही। तुम्हें तुरंत बुलाया है। जी अम्मी, मैं आता हूं। अबू क्या बात है? बहुत जरूरी काम है जो तुम्हें करना है। इस वक्त अबू? हाँ साहिल, इसी और अहमियत को तुम नहीं समझोगे, वो मैं समझता हूं। कर होता है जिसके गुजर जाने के बाद का कोई मतलब नहीं रह जाता, उस काम को अंजाम इसी वक्त देना है साहिल। लेकिन काम क्या है अबू? साहिल मुझे पता चला है कि अल्तमश और शमा मुझे दोबारा कानून के जाल में फंसाने के मंसूबे बना रहे हैं और वो तैयारियां कर रहे हैं मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की, और उनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए तुम्हें एक वकील से जाकर मिलना है जिसका पता मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन कहाँ, उसका पता क्या है? तुम्हें उसे मिलने के लिए लखनऊ जाना पड़ेगा। लखनऊ? हाँ साहिल, ये है फ्लाइट की टिकट, एक घंटे के बाद लखनऊ की फ्लाइट है। वहां जाकर तुम्हें एक वकील से मिलना है और सारी बातें करनी है। लेकिन अब आपको लगता है लखनऊ के वकील हमारी मदद कर सकते हैं? तुम ये बात अभी नहीं समझोगे साहिल, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। ये लो साहिल, मैंने तुम्हारी बैग भी तैयार कर दी ताकि तुम्हारी फ्लाइट मिस ना हो जाए। हाँ बेटे, तुम फौरन निकलो, लखनऊ में और भी मुकदमे हैं जिसकी मालूमात मैं तुम्हें फोन पर बताऊंगा,
वो सारे मामले सुलझाने के बाद ही तुम यहां पर आ सकोगे। क्या हुआ, क्या सोचने लगे तुम? नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक है अबूजान, मैं आता हूं। अरे कहां जा रहे साहिल? सोहा को बताने के लिए। अबू सोहा को तुम क्या बोलोगे कि अल्तमस और शमा ने मुझे फंसाने की जो चाल चली है उसकी मालूमत मुझे हो गई? ये सब तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना, हम सब उधर बता देंगे, बस तुम यहाँ से फौरन निकलो, चलो। हाँ साहिल देखो अभी कुछ मत सोचो, बिल्कुल नहीं। हाँ तुम्हें जो भी बात करनी है तुम लौट कर आके करना, अरे फ्लाइट में सो जाओगी, चलो चलो ले लो। कम ऑन साहिल, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस ट्रिप। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अब नया खेल खेला जाएगा, अब नई चोट मिलेगी शमा और अल्तमस को। उन्होंने जो चाल चली थी उसका जवाब अब मैं उन्हें दूंगा। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। इसका मतलब कि वो अकबर है ही नहीं? हाँ दो, लेकिन इससे एक बात ये साफ हो गई कि कल बख्तावर अदालत में खड़ा नहीं होगा, और अगर बख्तावर अकबर की डिग्री के सहारे अदालत में खड़ा हो भी जाता है तो वो जिरह नहीं कर पाए, क्योंकि तो पेशे से वो वकील तो है नहीं। बिल्कुल ठीक है क्या दीदी? अरे अनुपमा तुम, दीदी अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने मुकदमा तैयार कर दिया है और मुझे यकीन है कि ऋषि को जमानत जरूर मिल जाएगी। लेकिन तुम गई कहां थी? ऋषि के मुकदमे को लेकर अल्तमस भी बहुत परेशान है, और इसी सिलसिले में उसकी बात शमा से हुई थी और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। दीदी अल्तमस कह रहा था कि गौतमी की सच्चाई को सामने लाने के लिए डॉक्टर मंजुला सरदेसाई की गवाही काफी है, बस उनकी इस एक गवाही से सारा मामला अदालत के सामने खुल जाएगा, और डॉक्टर मंजुला अदालत को तो ये बताएगी ही ना कि जिस लड़की का मिसकैरेज हुआ वो लड़की गौतमी नहीं कोई और थी। बस यही एक गवाही ऐसी होगी जो गौतमी के झूठ को अदालत के सामने बेनकाब कर दे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पुलिस के सामने गौतमी ने जो अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पेश की है उसमें उसका ब्लड ग्रुप भी होगा, जबकि गौतमी का ब्लड ग्रुप अलग है। बस इन्हीं सारी बातों को अदालत में अगर सवाल बनाकर उठाया जाए तो हम गौतमी को बेनकाब कर सकते हैं। अनुपमा हमें यह पता करना चाहिए कि डॉक्टर मंजुला कल अदालत में आ भी सकती है कि नहीं। जीजाजी शमा की बात हो गई है उनसे और सारी सच्चाई जानने के बाद में वो गवाही देने के लिए भी तैयार है, और कल ठीक वक्त पर कोर्ट भी आ जाएंगी। अगर ऐसा हो गया ना अनुपमा तो ऋषि को जमानत मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दुर्गा गौतमी का मुकदमा सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर खड़ा, और हम बड़ी आसानी के साथ इस झूठ को अदालत के सामने ला सकते। जीजाजी इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ऋषि की सच्चाई को सामने लाएंगे। उस गौतमी के जाल में फंसकर भी ऋषि ने उसे कभी हाथ नहीं लगाया, वो अपने संस्कार नहीं भूला, और यही बात ऋषि को बचाएगी। दीदी मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द ऋषि को जमानत मिल जाए और गौतमी के मनसूबे नाकाम हो जाए। या अल्लाह, या मेरे मौला, तूने अकबर की हकीकत सामने लाकर हमारे इस बूढ़े दिल को सुकून अता किया है, बस एक करम और करते, अकबर को हमसे मिला दे, अकबर को सामने ला दे, अकबर को हमारे सामने ला दे, बस ऐसी राह दिखा कि हमारे बच्चे
अकबर को बख्तावर की कैद से बाहर निकाल सके। रहम कर मेरे मौत, रहम कर। इस दिल में जो अकबर के लिए फिक्र है उसे मिटा के उसका हाफिज बनकर उसकी हिफाजत कर, उसकी हिफाजत कर ताकि वो जहां भी हो सही सलामत हो। या अल्लाह, या मेरे मौला, आमीन। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम बहू। आओ बहू, बैठ बैठ। बहू, मैं जानता हूं कि अकबर की यह खबर सुनकर तुम बेहद परेशान, परेशान तो हम भी हैं, लेकिन बहू अल्लाह पर एतबार रखो। अकबर का पता जरूर लगेगा, जरूर लगेगा। जी अब्बा जान, बख्तावर ने शमा और अल्तमश को चैलेंज किया है कि वो उनका पता लगा कर दिखाए, तो जाहिर सी बात है ना अब्बा जान कि इस बख्तावर ने उन्हें ऐसी जगह कैद करके रखा है जहां कोई पहुंच ही ना सके। ठीक कहती हो बहू, इस बारे में हमने अल्तमश से भी बात की। क्या इस मामले में हम पुलिस वालों की मदद नहीं ले सकते, लेकिन दुश्वारी यह है कि हम इस हकीकत को पुलिस वालों के सामने कैसे लाएंगे कि ये आदमी अकबर नहीं बख्तावर है, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी मुकदमे चल रहे हैं सब अकबर के नाम से। इसने जो बंगला खरीदा है वो भी अकबर के नाम से। और तो और हमें इस बात का भी पता चल गया है, इस बख्तावर ने 25 साल पहले यह प्लान बनाया था और उसने पूरी तरह से अपने आप को अकबर साबित किया है। जब तक हमें अपने अकबर का पता नहीं चलता, तब तक इस बख्तावर को बख्तावर साबित करना बेहद मुश्किल है। अब्बा जान, मुझे शमा और अल्तमश की काबिलियत पर पूरा यकीन है, वो उन तक पहुंचने के रास्ते बना ही लेंगे। वक्त आने पर अल्तमश बख्तावर को यह भी साबित कर देगा कि वो अकबर नहीं है बल्कि एक जरायम पेशा इंसान बख्तावर है। दुरुस्त है, लेकिन अल्तमश और शमा के सामने ये भी एक दुश्वारी है। इस वक्त सोहा उसी बख्तावर के घर में रह रही है। आप ठीक कह रहे हैं अब्बा जान, मैं भी यही सोच रही थी कि बख्तावर और सायरा बेगम को अब तक तो ये पता चल चुका होगा कि सोहा शमा से मिली हुई है और बख्तावर को गिरफ्तार कराने के पीछे सोहा का हाथ है। और सोहा के बारे में सब कुछ जानने समझने के बाद सोहा को उस घर में सुकून से रहने नहीं देगा। अल्लाह ना करे कि सोहा के साथ कोई ऐसा वैसा हादसा होता है तो हम सब खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा हरगिज कुछ नहीं होगा। बस अल्लाह पर एतबार रखो, अल्लाह पर एतबार रखो। शमा जलती है जमाने के लिए। साहिल अब तक आए क्यों नहीं? अम्मी जान उन्हें बुलाकर ले गई, काफी वक्त भी हो चुका है। इतनी रात गए कहां भेज दिया उन लोगों ने साहिल को, और अम्मी जान की मुस्कुराहट बता रही थी कि कोई तो बात है। क्या बात हुई होगी, कहीं मेरे खिलाफ
फिर से कोई चाल तो नहीं चल रही? अमीजान, क्या बात है? साहिल कहाँ है? उसे जहां जाना था वो तो चला गया, अब तुझे कहां जाना है ये तू सोच। ये आप क्या कह रही है? बड़े तेवर चढ़े थे ना तुझे, अपने आप को बड़ी शातिर समझने लगी थी ना। अब मैं बताती हूँ तुझे, अब मैं बताती हूँ कि मैं चीज क्या हूं। चल चल मेरे साथ। नहीं अम्मीजान, छोड़िए मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना। जाना कैसे नहीं है ना? जाना कैसे नहीं है? मेरा हाथ पकड़ा था ना तूने, और क्या कहा था? मैं यहां जुल्म सहने नहीं आई हूं, यही कहा था ना? यही कहा था ना तूने? हाँ, ले ले पकड़ मेरा हाथ, पकड़ पकड़। हाथ कंधे से उखाड़ देने वाली थी ना तू? मेरा बस चले ना तो तुझे खड़े खड़े दफन कर दूं मैं। अब चल चल मेरे साथ। नहीं अम्मीजान, मुझे यहां से कहीं नहीं जाना, छोड़ दीजिए मुझे। अब साहिल को बुलाइए। जाना कैसे नहीं है? चल नहीं अम्मी, चल मेरे साथ। नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। क्षमा जल रही है जमाने के लिए। अम्मीजान, छोड़ दीजिए अम्मीजान मुझे। चलो छोड़। याद आया कुछ? याद आया तुम्हें? जिस दिन इसी जगह इसी घर में मेरी गिरफ्तारी हुई थी तो तुमने क्या कहा था? मैं इस घर में दोबारा जुल्म सहने के लिए इसीलिए आई थी क्योंकि मैं बेटी होने का फर्ज निभाना चाहती थी। मैं इस बात को कैसे भूल सकती थी कि मैं उस इंसान की बहू हूं जिसने मेरे अब्बू का कत्ल किया था। किस तरह धोखे से आपने उन्हें मार दिया था, इसी बात का बदला लेने के लिए मैं यहां पर आई थी। और मैं बहू होने का फर्ज निभाना चाहती थी जो मैं इसी तरह निभा सकती थी, आपके हाथों में हथकड़ियां लगवाकर। ठीक कहा था तुमने कि तुम कैसे भूल सकती हो कि मैंने तुम्हारे वालिद का कत्ल किया था। भाई वाह, क्या बेटी होने का फर्ज अदा किया तुमने। मेरे ही हाथों में हथकड़ियां लगवा दी? तुमने क्या सोचा कि मेरे हाथों में हथकड़ियां लगी रहेंगी? नहीं सोहा, मैंने अपने हाथों से हथकड़ियां खोल ली और अब मैं आजाद हूं। तुमने बेटी होने का फर्ज तो निभा दिया है ना, अब हम हमारा फर्ज निभाएंगे। शमा ने तुझे हमारे खिलाफ मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया था ना, अब उसे जवाब मिलेगा। हाँ बहू, तुम्हें इस घर से रुखसती दी जाएगी, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। मुझे इस घर से कहीं नहीं जाना, अब साहिल को बुलाइए। साहिल को मालूम था कि आखिरी वक्त में तुम उसे ही गुहार लगाओगे, इसलिए वो यहां पर नहीं है। हम तुम्हें रुखसती देंगे। Thank you.